ये टिकट संभालो जरा। यार ये तो सारे बिल्कुल ना अच्छा खंडर हो रखे हैं, पर भी पर ये कुटिया जैसा यहाँ कुछ नहीं लग रहा। अरे क्योंकि वो इधर है ही नहीं। कुटिया कहाँ पर है फिर? मैंने जिस रास्ते से जाने को कहा था ना, हाँ वो उस रास्ते से। तो अब हम यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? निकलेंगे कहीं बीच को। नहीं, कहीं पीछे तो है, मतलब हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट पार करें क्या? पूरा आश्रम ही है यार ये। बहुत लाइट लाइट म्यूजिक चल रहा है और अच्छी सी फीलिंग आ रही है। और सामने एक और खंडर। वैसे इसकी अभी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। इधर आओ। तो बुरा का बुरा एक आश्रम, लेकिन इस समय पूरी तरह से खंडर में बदला हुआ है। वहां भी खंडर, वहां भी खंडर, सब जगह खंडर ही खंडर है। उधर चलना है, इधर चलना है। पहले यूके का एक बहुत ही फेमस बैंड द बीटल्स, वो इस आश्रम में आए थे 1970s, लेट 1970s में। यहाँ के जो योगी थे महर्षि महेश योगी, उनसे मेडिटेशन सीखने, इस वजह से ये पूरा जो एरिया है बहुत फेमस हो गया था वर्ल्ड में। ऋषिकेश बहुत फेमस हो गया था वर्ल्ड में, क्योंकि वो जो बीटल्स बैंड था वो काफ़ी फेमस बैंड था। ओह हाँ, दो constructed in 1976 this building was used as a lecture hall classroom for conducting courses चले। अच्छा ये, हाँ हाँ हाँ, ओके। गेटिंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, ये लीज में लिया था महर्षि योगी थे, महर्षि महेश योगी, उन्होंने ये जगह लीज पे ली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। उस समय उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट होता था ये, तो उनसे लीज पे ली थी ताकि यहाँ पे मेडिटेशन के प्रोग्राम चल सके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो महर्षि महेश योगी थे वो अपने वर्ल्ड टूर पे थे, जहाँ से इन्फ्लुएंस होके जो बीटल्स बैंड का ग्रुप था ना, वो ऋषिकेश आया था और वो ऋषिकेश में आके इसी जगह पे रुके थे, तो ये पूरी जगह इसलिए फेमस हो गई थी क्योंकि जो महर्षि महेश योगी थे वो बीटल्स के गुरु के नाम से जाने जाने लगे थे वर्ल्ड में। उनकी बहुत वैल्यू बढ़ी। ऊपर क्लास लगेगी क्या? क्लासेस है यार, यहाँ पे क्लासेस बनी हुई है। टॉर्च की जरूरत क्या, लाइट बहुत है। आ जाओ, लाइट में चलते हैं यहाँ तो। ये पता क्या है, ये ना रूम्स टाइप है, मतलब वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे। तो उस समय शायद ये जैसे जो लोग बाहर से आते होंगे ना, उन लोगों के यहाँ पे रूम अलॉट करते होंगे। हिस्ट्री जो इसकी पढ़ी है मैंने, उस पर तो पूरा मेंशन है कि पूरी पूरी एक तरह की यूनिवर्सिटी टाइप, मतलब एक
ये जो जगह है ना, लेट्स कम इन टू द लाइट, ये जो जगह है ये एक एकेडमिक मतलब कॉलेज टाइप का था और देश विदेश से यहाँ पे लोग आते थे मेडिटेशन करने। और हम जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ। तेंदुआ बिल्कुल जाएंगे। हाँ पूरी ये ना अलमारियों की जैसे जगह होती होगी। और भी ऊपर है अच्छा। ओ ओ अच्छा ये चारों तरफ यहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। एक दो तीन चार, चार कुटिया क्या बोलते हैं इसको? ये तो इग्लू टाइप से नहीं है, इग्लू इग्लू होता है वो जो इग्लू कहते हैं उसको, वो जो बर्फ में बनते हैं। ओह अब दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता होगा कि ये खंडर खंडर क्यों रखा है जब पूरा एकदम हॉस्टल टाइप का है, पूरा एकदम बहुत बढ़िया सी जगह भी थी यहाँ पे एक टाइम पर, तो फिर ये अबेंडेंट हुआ क्यों? बेसिकली जो इसकी लीज थी वो ख़त्म हो गई थी और जो महर्षि महेश योगी जी थे उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन कराना बंद कर दिया था। उसके बाद जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था उसने इस जगह को वापस ले लिया था और वापस लेने के बाद फिर बहुत टाइम के बाद अब चूँकि ये पूरा एरिया जो है ना वो राजा जी टाइगर रिजर्व का पार्ट है तो उन्होंने इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। वैसे तो देखो यहाँ पे जब महर्षि महेश योगी ने मेडिटेशन करना बंद कर दिया था तो उसके बाद यहाँ कोई आता तो नहीं, लेकिन क्योंकि द बीटल्स ग्रुप जो था ना, द बीटल्स बैंड, वो यहाँ पर आके उन्होंने मेडिटेशन सीखी थी, इस वजह से यहाँ पे बहुत लोग विदेशों से यहाँ पर विजिट करने आते थे। इसी वजह से यहाँ पे इसको ओपन करके रखा, टिकट लगा दी इसके ऊपर और 150 रुपये की टिकट हम भी भर के आए हैं। फॉरनर्स के लिए यही 650 रुपये है। मजबूत है, कॉन्फिडेंस का गेम है, कोई डर वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डर वर लग रहा हो कि ज़्यादा ऊपर तो नहीं चले गए। हाँ वैसे ऊपर से अगर चारों तरफ देखो ना तो हल्की सी गुदगुदी पेड़ पे हो रही थी ना, मतलब ऐसा कभी सुना है कि डिवाइस ओवरहीट होने की वजह से कैमरा बंद हो गया है? पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरे पे। योर डिवाइस इज ओवरहीटेड, कैमरा विल बी क्लोज इन 5 सेकेंड्स। अबे यार कोई नहीं, अपना कैमरा चल रहा है, चले अब नीचे चलो। तो बस चलते हैं यहाँ से नीचे, वहाँ पर है, वहाँ है ना वो छोटी आप जो कुटिया बोल रहे हो? चलो ठीक है, अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो मैं और एक बात क्या बता रहा था, हम आए हैं अपने लंच टाइम में घूमने के लिए, क्योंकि हमारा लंच टाइम होता है 3 घंटे का, लेकिन हमारा जो डे है पूरा लगभग कम से कम 12 घंटे का होता है। सुबह 7 बजे घर से निकल के 12 बजे तक का काम होता है, उसके बाद 3 बजे से शाम को 7 बजे तक का काम होता है। अगर इस वीडियो पे व्यूज़ आए ना तो फिर मैं हर थोड़े दिन बाद घूमने के लिए ऐसे निकल जाया करूँगा लंच टाइम में। 84 कुटिया, अरे 84 कुटिया जो असली नाम है वो बताना भूल गया मैं, पता क्या, आ जाओ बताता हूँ आओ तो समझो कि बस ये पूरा इसका एंडिंग पॉइंट है, इसके बाद आगे पूरा दीवार वगैरह है तो हार्डकोर जंगल है वहाँ। तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है 84 कुटिया का, ये इस बिल्डिंग में मतलब 2 बिल्डिंग है, इसके पीछे वाली से मोह के आगे। ओके अच्छा ये मेडिटेशन चैम्बर्स हैं।
ये जो है ना ये बनी हुई है पत्थरों से। वहाँ पीछे लिखा भी हुआ है कि जो 84 कुटिया आया है वो जो नदी से निकले हुए पत्थर हैं उनके यूज से बनी हुई है पूरी है। हाँ ये भी कुछ तो एक जगह से मंदिर आए थे और दूसरी जगह से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जगह है जहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, और बहुत हल्की हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा है जिससे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा मैं बताता हूँ 84 कुटिया का सीन। मैंने चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी, जो थोड़ा वो समझ में आया वो ये है, जो महर्षि महेश योगी जी थे ना वो थे एक मतलब योगी जो मेडिटेशन करते थे। वो अपने वर्ल्ड टूर पे थे जहाँ पे बीटल्स को इनके बारे में मालूम पड़ा। बीटल्स जो यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत ही फेमस बैंड था द बीटल्स, फिर वो लोग यहाँ पर आए थे। और जो महर्षि महेश योगी का जो मेडिटेशन कॉन्सेप्ट था वो ये था कुछ मंत्रों के उच्चारण से आपको रिलैक्स फील करवाने का, जिसकी वजह से जगह बहुत फेमस हो गई थी। 2:30 बज चुके हैं, 3 बजे अपना काम शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले हमें पहुँचना है अपने ऑफिस पे। ये लो यहाँ लिखा है दीवारों पर ना लिखें, लेकिन ऐसी कोई दीवार नहीं है जहाँ पे यहाँ पे लोगों ने लिखा ना हो, क्या ही कर सकते हैं लोगों का। ये सुन, ये देख लो, ये लिखा है ना ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये उनका एक मेन कोर्स था महर्षि महेश योगी का, तो इसी का वो प्रचार करने देश विदेश जाते थे। और इसी कोर्स को करने के लिए जो बीटल्स बैंड का ग्रुप था वो पूरा ऋषिकेश आया था लेट 1970s में। और ये भी माना जाता है कि जो द बीटल्स ग्रुप के जो सबसे फेमस सॉन्ग थे ना वो उन्होंने इसी जगह पे रहते हुए लिखे थे। वो यहाँ से चले गए, आश्रम खंडर बन गया, लेकिन लोगों का यहाँ आना बंद नहीं हुआ। इसीलिए जो राजा जी टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है उसने यहाँ पे 150 रुपये का टिकट लगा के विजिटर्स के लिए इस जगह को खोल दिया। कंस्ट्रक्टेड इन द अर्ली 1960s दिस किचन वॉज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेरियन फूड फॉर ऑल द गेस्ट्स। आओ किचन भी देख लें यार, ओ चिमनी देखी वहां पे, इधर उधर भाई देसी चिमनी। अबे हाँ ये देखो, हैं वही, ये देखा आपने ये वाला, ये दोनों एग्जॉस्ट सिस्टम है। बहुत देखे हुए मतलब कहाँ देखे, क्या इतना कॉमन है क्या ये? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अनकॉमन चीज़ है, मैंने तो आज तक पहले कभी नहीं देखा ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ये है पीछे हमारे किचन, और यहाँ सबका खाना बनता था, सारी सेम है। चले अब, ये भी काफ़ी सारी छोटी छोटी केव्स बनी हुई हैं। चलो भाई अब यहाँ से सीधा चलते हैं हम नीचे, और आपको एक सीतापुल का छोटा सा व्यू देते हैं जानकी ब्रिज का, और फिर पहुँचता हूँ अपने ऑफिस। यहाँ से तो नहीं जाना कहीं, अच्छा वहीं से रास्ता है, चलो।